मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स यूजफुल और नॉट, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं है। तो इन दिस वीडियो गाइस मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताने वाला हूँ अबाउट मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स के। और मैं यहाँ पे किसी भी इंसान को ये नहीं कह रहा कि आपको पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर सिंपली मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को इस सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं विटामिन्स की कुछ बेसिक थ्योरी। विटामिन्स है क्या? विटामिन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें स्मॉल अमाउंट में लेना होता है। जिस तरीके से हम मैक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं एज अ बिग अमाउंट, उसी तरीके से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट भी यूज़ करते हैं एज अ स्मॉल अमाउंट। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार स्मॉल अमाउंट कितना, स्मॉल अमाउंट में कितना हमें लेना होता है। तो गाइस ये टोटली डिफरेंट है क्योंकि मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग अमाउंट बता रखा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो मेल के लिए 1.2 mg एंड फीमेल के लिए है 1.1 mg, जो कि जनरल रिकमेंडेशन है। और अदर हैंड मैं बात करूँ विटामिन ए की तो 900 IU इट्स मेन इंटरनेशनल यूनिट। तो 900 IU फॉर मेल और 700 IU फॉर द फीमेल। तो ये मेल फीमेल के अकॉर्डिंग डिफरेंट दे रखे हैं जो कि बेसिक रिकमेंडेशन दे रखी हैं। तो बेसिकली विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहले विटामिन्स आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड सेकंड इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स लीवर में स्टोर हो सकते हैं और अदर हैंड जब हम वाटर सोल्यूबल की बात करते हैं तो हमें डेली बेसिस पे लेना होते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। अब बात कर लेते हैं विटामिन्स के क्या फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी में विटामिन्स कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली विटामिन्स के तो बहुत सारे काम हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ काम आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, इसके अलावा आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपकी आई साइट इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, असेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शन है, इसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे जो वीटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर, किडनी, यू नो, लंग्स एंड इसके अलावा हार्ट, इन सब के लिए, इन सब की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इनका ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प से जो भी हमने न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प हो। तो एंजाइम्स जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा हम फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे एंड एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके साथ साथ एनाबोलिज्म क्रिएट होगा हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ही एनाबोलिज्म क्रिएट होगा इट्स मीन कि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होने लग जाएगी, आपकी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी एनाबोलिज्म में हेल्प करेगा, तो एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि आपका मसल मास इंक्रीज होगा, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और जितने भी आप यू नो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस करते हैं या फिर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। अब हमें यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि विटामिन्स है क्या और विटामिन्स के काम क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने दो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं जिसके अंदर साफ क्लियर मैंने कर रखा है कि किस कैटेगरी को मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स के पॉजिटिव इफेक्ट या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली कैटेगरी है हेल्दी पर्संस, ऐसे लोग जो किसी भी बीमारी से जूझ नहीं रहे हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। और अनदर हैंड जो मैं बात करूँ दूसरी कैटेगरी की, वो है मेडिकली चैलेंज्ड, जो ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। एक हेल्दी पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है, किसी भी यू नो डिसीज से वो सफ़र नहीं कर रहा है और उसको किसी डॉक्टर ने या फिर उसके किसी डॉक्टर ने उसको एडवाइस नहीं किया है या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है कि पर्टिकुलर विटामिन्स यू शुड टेक, आपको लेना चाहिए, आप लीजिए,
बस वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके किसी फ्रेंड ने या फिर उसके किसी रिलेटिव ने उसे ऐसा कहा कि आप मल्टीविटामिंस लीजिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीविटामिंस के लिए जब कोई एडवाइस करता है तो ये लोग वो होते हैं जिन्हों को फिटनेस का एफ भी नहीं पता, वो लोग एडवाइस करते हैं और साइंस से तो दूर दूर से लेना देना नहीं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं एक हेल्दी पर्सन के लिए? अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशन, विटामिन्स का बेस्ट एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड बायो अवेलेबिलिटी रेट फूड्स के अंदर होता है, ना कि पिल्स के अंदर। और पिल्स वो लोग लेते हैं या टैबलेट्स वो लोग लेते हैं जो बीमार हैं। यू एग्री? और मैं आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का एक गुड हेल्थ से दूर दूर तक कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। विटामिन्स के मेगा डोसेस से भी हमें हार्म हो सकता है। अब मेगा डोज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको कोशिश करूंगा डिटेल में बताने की और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज आप ये लाइन बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो बेसिकली जब मैं बात करूँ मेगा डोसेस की, विटामिन्स की मेगा डोसेस की, जब हम नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर अपना होलसम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ हमें जो विटामिन्स की वैल्यू है या विटामिन्स का अमाउंट है वो एडुकेट होता है। क्यों? क्योंकि नेचर जो भी फूड हमें देती है उसके अंदर एक बैलेंस ऑफ रेशियो बना के देती है जिसकी हेल्प से आपके विटामिन्स प्रॉपर फूड के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो विटामिन्स की अगर हम जब बात करते हैं टैबलेट्स की या फिर सप्लीमेंट्स की, विटामिन सप्लीमेंट्स की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक रेशियो है विटामिन्स का, एक जो अमाउंट है वो नॉर्मल लेवल से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप फूड भी कंज्यूम कर रहे हो और उसके साथ साथ फिर आपने अपना सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो मे बी आपकी जो लाइफस्टाइल के अंदर मेगा डोसेस हो सकते हैं विटामिन्स के। और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इस स्टडी के अंदर भी, स्पोर्ट्स स्टडी के अंदर भी मेंशन कर रखा है कि अगर हम मेगा डोजेस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन पे हमें इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? यू गेट माई पॉइंट? अब सेकंड जो कैटेगरी है वो है मेडिकली चैलेंज एंड कंडीशन। ऐसे लोग जो किसी ना किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्रेग्नेंट वूमेन है, राइट? एक प्रेग्नेंट वूमेन को उस कंडीशन में कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी थ्रू मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स। वो भी उन्हें उनके डॉक्टर एंड फिजिशियन रिकमेंड करेंगे तभी वो कंज्यूम करेंगे, राइट? और ऐसे लोग जो डीकंडीशन लोग हैं, जैसे जिनकी आई साइट बहुत वीक रहती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे लोग जो एल्डर अडल्ट्स हैं, बूढ़े लोग, उनको भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हो सकती है जब उनके फिजिशियन उनको रिकमेंडेशन देंगे। इस कंडीशन में मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन अपने एक पॉजिटिव इफेक्ट्स में भी दिखा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर के रिकमेंडेशन से उनको कितने डोसेज यूज़ करने हैं, कब यूज़ करना है और कितने टाइम तक उन्हें यूज़ करना है, वो सब कुछ मेंशन होगा। अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के माइंड में कि जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी तक तुमने क्या देखा, फिर वीडियो में क्या देखा आपने? आपका जो न्यूट्रिशन है वो ही इनफ है, जो आप होलसम फूड कंज्यूम कर रहे हो आपके लिए वो ही इनफ है, हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन से लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना ट्रेनिंग पे फोकस करो, मत सोचो विटामिन्स मिनरल्स के बारे में, क्योंकि वो सब कुछ आपको आपके फूड में मिल रहा है और बहुत अच्छे अमाउंट में मिल रहा है। बट कंडीशन ये है कि आप लोगों को होलसम फूड कंज्यूम करना होगा, राइट? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं हर बार की तरह एक ही बात कहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हों के बहुत सारे डाउट हैं अबाउट मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, राइट? So stay healthy, stay fit always.
गुड बाय।